कुत्तियां दी नसल ग्रे हाउंड ट्रैक रेसिंग क्लब वालों मोगा विच दो दिन नौवीं ग्रे हाउंड रेस का प्रबंध किया गया। यह डॉग शो हर साल करवाया जाता है। इस डॉग शो का प्रबंध पंजाब के सबका MLA नछत्र सिंह की याद में उन्होंने दोवां बेटिया सबका DGP राजदीप सिंह गिल और सबका DGP परमदीप सिंह गिल वालों किया जाता है, जिस विच शनिवार को पहले दिन वख-वख नसलों के कुत्तियां दे विच दौड़ां दे मुकाबले करवाए गए और जेतू कुत्तियां दे मालकों नूं चंगा इनाम दिता गया। इस विच उत्तर भारत के वख-वख जिलों के 42 नसलों के अते उत्तर भारत के 200 तो ज़्यादा कुत्तियां ने भाग लिया। ये पंजाब का पहले नंबर का टूरनामेंट है जी, सब तो वड्डी डर्बी है जी मोगे जी। इत्थे पंजाब का हर एक कुत्ता पहुँचता जी लगभग। ठीक है, चार पाँच रेसा तो भजा चुके हैं मैं। ग्रे हाउंड डॉग है ये। ठीक है जी, इनू मीट भी पाई दा, दूजा अपना दुध भी, फीड भी पाई दी इन्हां नूं। ठीक है, वधिया शौक आ साडा। किन्नी किन्नी लंबी दौड़ जित चुका ये जी? 90 करमा तक हुंदा, 80 तो 85 करमा तक दौड़दा है। ये नसल किहड़ी है जी? ग्रे हाउंड आ जी। ग्रे हाउंड है, हाँ जी। ते जे आपां इहदी अजकल कीमत लाईए ते किन्नी कोई? 1 लाख रुपया कीमत आ जी इहदी, जे लाईए आपां इहदी कॉस्ट आ जी। एयरलैंड दी ब्रीड आ जी इहे, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਵਾ ਪਲਿਆ ਵਾ। ਗ੍ਰੇ ਹਾਊਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਹਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੋਸਟਲੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਕੋਸਟਲੀ ਆ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਸਿੱਧਾ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੁੱਤੇ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਕੋਸਟ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਆ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੋਸਟਲੀ ਆ, ਫੀਡਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਫੀਡ ਕਾਫੀ ਕੋਸਟਲੀ ਫੀਡ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਚਿਕਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਫੀਡ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਡੀਗਰੀ ਐਕਸਟਰਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਾ ਗਏ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘ, ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿੱਤਿਆ ਕਹਾ।